क्या नहाना यानी कि बैदिंग करना आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार नहाने के 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है भरपेट खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं नहाना है, क्योंकि उससे आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता है और 90% डिजीज वीक मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं। नहाने का जो बेस्ट समय है वो सुबह सनराइज होने के बाद एम्प्टी स्टमक आपको नहाना है। दूसरा रूल है नहाने से पहले 1 ग्लास पानी का सेवन करें, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन रहेगा। आप पूरी बॉडी पे हार्ट के नीचे का जो पार्ट है उसे वार्म वाटर से नहाएं और ऊपर का जो पार्ट है उस पर आप रूम टेम्परेचर वाटर यूज करें। बच्चों को और बड़ी उम्र के लोगों को आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, और ठंडे पानी से रेगुलर हमें नहीं नहाना है। ठंडे पानी से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, लेकिन सर्दी कफ भी बढ़ सकता है। साल में कभी कभार आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। और तीसरा रूल है शाम को सनसेट होने के बाद आपको नहीं नहाना है, क्योंकि वो आपके पोर्स को बंद कर देता है और आपका हीट बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ये 3 नियम को फॉलो करना है नहाने के लिए।